क्लास थ्री डू ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट टेंस इन योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी. क्लास थ्री डू ट्रांसलेशन. आवर न्यू टॉपिक इज सिंपल पास्ट टेंस. आपको पता है हमने प्रेजेंट टेंस किया था. प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. क्या काम कर रहे हैं, वर्ब क्या होता है, क्या काम कर रहे हैं. पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं या वर्ब के साथ आखिर में क्या लगाते हैं, ई डी. नाउ डू विद मी. नंबर वन, कल बर्फबारी हुई. नंबर राउ ट्रांसलेशन. एट, स्नो. बर्फबारी को क्या कहेंगे, स्नो. आखिर में क्या लगाएंगे, ई डी. इट स्नोड लास्ट नाइट. कल बर्फबारी हुई. इट स्नोड लास्ट नाइट. नंबर टू, अली मेरे घर आया था. अभी आया नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है. आया था मतलब कल आया था या इस वक्त से पहले आया था. अली केम टू माय हाउस. कम क्यों नहीं कहा, प्रेजेंट टेंस नहीं है, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. कम केम, पास्ट टेंस में क्या यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म केम. अली केम टू माय हाउस. नंबर थ्री, हमने टीवी देखा. हम क्या है, वी. हम क्या है, वी. टीवी देखने को क्या कहते हैं, क्लास थ्री ऑल ऑफ यू नो, वॉच्ड टीवी. यहाँ पे वॉच के साथ ईडी लगाया है, पास्ट टेंस है, इसलिए क्या करेंगे, वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, ईडी. वी वॉच टीवी. हमने टीवी देखा. वॉच, टीवी देखने को क्या कहते हैं, वॉच. पास्ट टेंस है, क्या करेंगे, वर्ब के साथ ईडी लगाएंगे. नंबर फोर, उसने अपनी कार बेची. जी, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ही. ही का क्या मतलब है, लड़का. लड़का आदमी. सोल, सोल का क्या मतलब है, सोल इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेल. सेल सोल, पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे. ही सोल्ड हिज कार. उसने अपनी कार बेची. ही सोल्ड हिज कार. हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे या तो आखिर में ईडी लगाएंगे. नंबर फाइव, वो चिड़िया घर गए. वो के लिए क्या यूज़ करेंगे, मोर देन वन है. मोर देन वन के लिए क्या यूज़ करते हैं, दे. चिड़िया घर गए. जाने को क्या कहते हैं, गो. लेकिन हमने तो गो नहीं लिखा, हमने तो पास्ट टेंस लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखी है. दे वेंट. चिड़िया घर को क्या कहते हैं, जू. वो चिड़िया घर गए. इस वक्त नहीं गए, पहले गए थे. वेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ गो. गो वेंट. दे वेंट टू द जू. नाउ अगेन रीड विद मी. नंबर वन, कल बर्फबारी हुई. इट स्नोड लास्ट नाइट. नंबर टू, अली मेरे घर आया था. अली केम, सेकेंड फॉर्म ऑफ कम, केम टू माय हाउस. नंबर थ्री, हमने टीवी देखा. वी, हम के लिए वी यूज़ किया है. टीवी देखने को क्या कहेंगे, वॉच. वॉच के साथ वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, ई डी. वी वॉच टीवी. नंबर फोर, उसने अपनी कार बेची. ही, लड़के के लिए कह रहे हैं, सोल्ड.
sold is the second form of sell, past tense of sell. His car, he sold his car. Number 5, वो चिड़ियाघर गए. चिड़ियाघर को क्या कहेंगे? जू. वो क्यों, वो का क्या मतलब है? मोर देन वन. दे वेंट. वेंट इज द पास्ट टेंस ऑफ गो. दे वेंट टू द जू. डू द ट्रांसलेशन इन योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी. क्लास 3, वी आर गोइंग टू डू रिविजन ऑफ यूनिट 6, द टर्टल एंड द स्वेंस. Complete your missing work in copy and learn all the work done related to turtle and the swans. Bismillahirrahmanirrahim. Hello class 3, how are you? This is our English text class. Now I'm going to explain you the Unit 6, the turtle and the swan. This is our session 4, and I'm going to explain you page number 42, 43, 44 and 45. Now read with me. Class 3, आप लोग अच्छी तरह से reading कर सकते हैं. Now read with me and try to do it by yourself. ये नहीं कि सिर्फ मिस फौजिया पढ़ के बताएंगी तो आप पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा? आप सब रीडिंग कर सकते हैं. नाउ स्टार्ट रीडिंग. पुट योर फिंगर ऑन द पेज. देयर वॉज वंस अ लेक इन अ रिच ग्रीन वैली सराउंडेड बाय ब्लू हिल्स एंड फॉरेस्ट. इन इट लिव अ काइंडली ओल्ड टर्टल. ही वॉज फ्रेंडली विद ऑल द एनिमल्स फॉर ही वॉज अ ग्रेट टॉकर. हिज बेस्ट फ्रेंड्स वर अ पेयर ऑफ ब्यूटिफुल वाइट स्वैंस. एक लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है, और लेक के चारों तरफ क्या है? हिल्स है और फॉरेस्ट हैं, इसलिए चारों तरफ बहुत खूबसूरत ग्रीन वैली है. और इस वैली में लेक के पास क्या रहता है? एक ओल्ड टर्टल रहता है. ओल्ड टर्टल जो है वो बहुत लविंग है और हर एक के साथ बहुत काइंड है, और वो सबका फ्रेंड है, सारे जानवर, क्योंकि वो बातें बहुत करता है, और बातें करने की वजह से उसके सारे दोस्त हैं. और उसके दो बेस्ट फ्रेंड कौन हैं? दो ब्यूटीफुल वाइट स्वैंस. व्हेन द सन सेट बिहाइंड द ब्लू हिल्स द वैली वुड ग्लो विद द ऑरेंज लाइट ऑफ डस्ट. जब शाम को सनसेट होने वाला होता है, शाम का वक्त होता है, तो हिल्स के ऊपर वैली पूरी जो है वो ऑरेंज लाइट से चमक जाती है. द टर्टल वुड क्रॉल अप ऑन टू द बैंक. द स्वैंस वुड वेडल अप बिसाइड हिम. देन द टर्टल वुड आस्क, My friends tell me about the things you have seen and heard on the other side of the blue mountains. जब शाम होती है तो टर्टल जो है वो क्या करता है? लेक के किनारे आकर बैठ जाता है, और उसके दोनों फ्रेंड स्वैंस जो हैं वो भी आ जाते हैं उसके पास, और टर्टल जो है उनसे बहुत सारी बातें करता है. किस चीज़ के बारे में? कि उन्होंने आज क्या देखा और माउंटेन्स के दूसरी साइड पे क्या होता है. एंड द थ्री फ्रेंड्स वुड सेटल डाउन टू अ न्यू चैट. लाइफ वेंट ऑन पीसफुली इन द वैली फ्रॉम सीजन टू सीजन. व्हाट अ डिलाइटफुल प्लेस इट वॉज. और तीनों दोस्त जो थे वो शाम को बैठ जाते हैं और खूब बातें करते हैं. उनकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही है. वैली में बहुत पुरसकून है और सब लोग वहाँ पर बहुत खुशी खुशी रहते हैं. देन वन ईयर समथिंग टेरेबल हैपेंड. द रेन्स फेल्ड एंड द लेक बिगन टू ड्राई अप. The green grass of the valley
turned brown. The blue hills turned brown. And the earth around the lake became parched. Soon the lake was the size of a dirty brown puddle. और एक साल क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, वैली में बारिशें नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई तो क्या हुआ, लेक का पानी जो था वो सूखना शुरू हो गया और जो सारी ग्रीन ग्रास थी, जो वैली की ब्यूटी थी, क्या हो गया, पानी ना होने से सूख गई और हिल्स भी जो थे वो भी सूख गए और जो सारी हरियाली थी वो ख़राब हो गई और ज़मीन जो थी वो क्या हुआ, खुश्की से सूख गई और गर्मी की वजह से ज़मीन भी ख़राब होने लगी और लेक जो थी वो क्या हो गई, डर्टी ब्राउन पडल बन गई, पानी और मिट्टी मिक्स हो गया, ऐसा लगता था गंदा पानी जमा हो गया. वी आर लिविंग इन द मॉर्निंग, सेड द स्वैन. We are off to the Great Lake. We are sorry you cannot fly. Otherwise you could come with us. और दोनों स्वैंस ने टर्टल को बताया कि हम सुबह को यहाँ से जा रहे हैं ग्रेट लेक की तरफ, लेकिन अफसोस क्योंकि टर्टल फ्लाई नहीं कर सकता तो टर्टल जो है वो स्वैंस के साथ नहीं जा सकता. Is it a long way off? Asked the turtle. क्या वो जगह बहुत दूर है? Yes, said the swans. It will take us days to get there, flying swiftly. और swans ने बताया, yes, वो जगह बहुत दूर है और हमें जाने के लिए तेज़ी से उड़ते उड़ते जाएंगे तो भी हमें दिन लग जाएंगे. Well, cried the turtle. I shall say goodbye then forever. I won't be here when you return. अच्छा, टर्टल बहुत उदास हो गया और रोने वाले अंदाज में उसने कहा कि अच्छा फिर हमेशा के लिए खुदा हाफिज. Forever means हमेशा के लिए. I won't be here when you return. जब तुम लोग वापस आओगे तो मैं यहाँ पर नहीं मिलूँगा. Where will you go? Asked the swans. स्वैंस ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? Nowhere, said the turtle. I shall die of thirst right here. टर्टल ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर प्यासा मर जाऊँगा. The swans were sad. They wanted to help the turtle, but he could not fly. टर्टल को उदास देखकर दोनों स्वैंस भी उदास हो गए और वो टर्टल की हेल्प करना चाहते थे लेकिन टर्टल तो फ्लाई नहीं कर सकता था. द टर्टल सेड, परहैप्स यू कुड कैरी मी. नॉट पॉसिबल, सेड द फर्स्ट वन. यू आर फार टू हैवी, सेड द अदर. टर्टल ने कहा, क्या तुम लोग मुझे उठा के ले जा सकते हो? तो स्वैन ने फौरन कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम बहुत हैवी हो. दोनों टर्टल ने कहा कि हम तुम्हें नहीं ले जाते सकते. एंड इवन इफ वन ऑफ अस कुड लिफ्ट यू, यू वुड फॉल ऑफ, सेड द फर्स्ट स्वैन. और एक स्वैन ने कहा, अगर हम कोशिश भी करें कि तुम्हें लिफ्ट मींस ऊपर उठा लें तो तुम जो हो वो गिर जाओगे. क्यों गिर जाओगे? क्योंकि तुम बहुत हैवी हो. आई हैव ए स्ट्रॉन्ग जॉ, said the worried turtle. I could hold on tight. You had bite off our necks, said the second swan. Turtle ने कहा, मेरे दांत बहुत मजबूत हैं और मैं कोई भी चीज़ बहुत टाइट पकड़ सकता हूँ. तो एक दूसरे स्वैन ने कहा कि क्या तुम हमारी नेक को बाइट कर लोगे? Not if you two held on to a stick, exclaimed the turtle. I could grip the middle. There is no harm in trying, said the swans. नहीं नहीं, अगर तुम दोनों एक स्टिक को दोनों कोनों से पकड़ो और मैं बीच में अपने दांतों से कस के पकड़ लूँ. तो स्वैंस ने कहा, ऐसा करने में कोशिश कर लेते हैं, कोई ज़रूर कोशिश कर लेते हैं.
The friends went in search of a stiff stick and found one. The swans took hold of either end of the stick, and the turtle locked his jaws onto the middle. और तीनों दोस्तों ने एक लकड़ी ढूंढना शुरू की और उन्हें एक लकड़ी मिल गई. और स्वेंस ने दोनों कोनों से, एक स्वेन ने एक कोने से और दूसरे स्वेन ने दूसरे कोने से स्टिक को पकड़ा. और टर्टल ने अपने दांत कस के जॉस को अपने दांतों से उस लकड़ी को कस के पकड़ा. द स्वेंस फ्लैप देयर विंग्स एंड रोज अप इनटू द एयर. स्वेंस ने उड़ना शुरू किया और वो हवा में ऊपर उड़ गए. इट वर्क्स थॉट द टर्टल टू हिमसेल्फ हैंगिंग ऑन फॉर डियर लाइफ. और टर्टल को पता चला कि वो इस तरह से उड़ सकता है, अपनी जान बचा सकता है. हैंगिंग ऑन फॉर डियर लाइफ, टर्टल अपनी जान बचाने के लिए उड़ने की कोशिश कर सकता है. और उनका ये कोशिश कामयाब हुई. द स्वेंस केम डाउन अगेन एंड द थ्री फ्रेंड्स ऑल लुक प्लीज विद देमसेल्फ. और तीनों दोस्तों की कोशिश से क्या हुआ कि ये स्वेंस और टर्टल जो हैं वो सेफली नीचे आ गए और तीनों इस बात से बहुत खुश हुए. इट वर्क्स, क्राइड द टर्टल. व्हाट अ क्लेवर ओल्ड टर्टल आई एम. और टर्टल ने कहा कि देखो मेरा आइडिया कितना अच्छा रहा, मैं एक क्लेवर ओल्ड टर्टल हूँ. बट द फर्स्ट स्वैन वॉर्न यू, वी मस्ट ऑल कीप साइलेंट व्हेन वी आर अप इन द एयर. एक स्वैन ने टर्टल को वॉर्न किया कि हमको खामोश रहना पड़ेगा जब हम ऊपर हवा में उड़ रहे होंगे. वॉट एवर फॉर, सेड द टर्टल एक्साइटेडली. किस वजह से? वेल यू नो हाउ यू लाइक टू टॉक, रिप्लाइड द फर्स्ट वन. इस वजह से क्योंकि अगर तुमने बात करने की कोशिश की, इफ़ यू ओपन योर माउथ यू विल गो क्रैशिंग डाउन टू द अर्थ. अगर तुमने बात करने के लिए अपना मुंह खोला तो क्या होगा? तो क्वेश्चन आंसर, द टर्टल एंड द स्वेंस. क्वेश्चन नंबर वन, इन व्हाट वेज वॉज द वैली अ गुड प्लेस. आंसर, द वैली वॉज रिच एंड ग्रीन, सराउंडेड बाय हिल्स एंड फॉरेस्ट. देयर वॉज ऑल्सो अ डिलाइटफुल लेक इन द वैली. वैली जो थी बहुत खूबसूरत थी, चारों तरफ से हरियाली थी, हिल्स थे, फॉरेस्ट थे और वहाँ पर एक खूबसूरत लेक भी थी. क्वेश्चन नंबर टू, वाई डिड द टर्टल गेट क्रॉस व्हेन ही हर्ड व्हाट द पीपल सेड. आंसर, द टर्टल वॉज क्रॉस बिकॉज इट हैड बीन हिज क्लेवर आइडिया टू फ्लाई दैट वे. द स्वैंस वर जस्ट कैरिंग आउट हिज प्लान. He wanted to be recognized and appreciated by the onlookers. Turtle जो था वो नाराज़ क्यों हुआ? इस वजह से कि वो समझता था कि ये उसका आइडिया है इस तरह से फ्लाई करने का, और स्वेंस तो सिर्फ उसके प्लान के ऊपर काम कर रही हैं और वो चाहता था कि सब लोग जाने और उसके पसंद करें कि ये सारा टर्टल की तारीफ़ करें. वो ये चाहता था कि सब लोग जो हैं देखने वाले स्वेंस की तारीफ़ ना करें बल्कि टर्टल की तारीफ़ करें. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट बैड हैबिट ऑफ द टर्टल लेड टू हिज डाउनफॉल. आंसर, द टर्टल वॉज वेरी टॉकेटिव एंड कुड नॉट रेजिस्ट टू स्टे साइलेंट व्हेन द पीपल वर प्रेजिंग स्वैंस एंड फेल डाउन.
टर्टल जो था वो बहुत बातें करता था और वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सका कि लोग स्वेंस की तारीफ़ करें, और इस वजह से क्या हुआ, टर्टल ज़मीन पर गिर गया। डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी। ओके, मेक एन इंडेक्स।